नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आधार बनवाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होती है और इसके लिए भारतीय नागरिकों को आंखों की पुतलियों और हाथों की उंगलियों और अंगूठे के निशान देने अनिवार्य होते हैं। इनके बिना किसी शख्स का आधार नहीं बन सकता। हालांकि कभी इस बात पर आपने गौर किया है कि अगर कोई व्यक्ति हाथों के बिना है या किसी दिव्यांग के हाथ या उंगलियां नहीं है तो वो आधार कैसे बनवा पाएगा। इस तरह का एक मामला केरल से सामने आया था। अच्छी खबर ये है कि इसके लिए आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने खास प्रबंध किए और ये सुनिश्चित किया कि ऐसे शख्स को भी आधार कार्ड मिल सके। केरल में जो मामला सामने आया उसमें एक महिला के पास उंगलियां नहीं होने के कारण वो आधार के लिए नामांकन करने में असमर्थ है। इसे देखते हुए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्पेशल निर्देश दिए। UIDAI को इस महिला का नामांकन करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए आदेश दिया गया। कैबिनेट मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इसके संदर्भ में ये भी कहा कि सभी आधार सर्विस सेंटर को ऑप्शन बायोमेट्रिक्स के लिए सलाह जारी की गई है। जिसके जरिए आधार एनरोलमेंट करने वाली एजेंसियों को संवेदनशील बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री के निर्देश मिलने के बाद ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI हरकत में आ गया। UIDAI की एक टीम ने केरल के कोटायम स्थित कुमारकम में जोसी मोल पीजोस के घर जाकर उनका आधार नंबर तैयार किया। उनकी मां ने अधिकारियों को उनके समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आधार की मदद से उनकी बेटी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन और दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास योजना कैवल्य सहित कई बेनिफिट और सेवाओं को आसानी से जो है सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।